हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजायर टू लर्न विद प्रणीता। सो एज वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन थ्री रीजन्स फॉर इंडिया स्टैंडर्ड 8th इंग्लिश टेक्स्ट बुक, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट रिमेनिंग लेसन इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। आवर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग एंड आवर अचीवमेंट्स आर बींग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे। सो पॉवर्टी मीन्स द स्टेट ऑफ बींग एक्सट्रीमली पुअर, जो पुअर दरिद्रता थी हमारे देश की वो कम हो रही है। एंड अचीवमेंट्स, हमारी उपलब्धियाँ आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज नोटिस्ड एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड। विश्व स्तर पर हमारी उपलब्धियों को मान्यता प्राप्त हो रही है। येट वी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी अवर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड। सो येट वी डोंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, तभी हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। टू सी अवर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन सेल्फ रिलायंट, जो सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री, अपने ऊपर भरोसे रखने वाले, सेल्फ एश्योर्ड, कॉन्फिडेंट इन ओन एबिलिटीज एंड कैरेक्टर, खुद के ऊपर विश्वास करने वाले, आत्मनिर्भर भारत। वी वॉन्ट आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट भारत। सो दैट्स वाई वी हैव टू कीप कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ। समवेयर आई डोंट नो दिस न्यू एजुकेशन policy, vocational education, then startup project, then this self-reliant Atmanirbhar Bharat, this all I correlate with Dr. APJ Abdul Kalam's vision for developed nation. I correlate this with Dr. APJ Abdul Kalam's vision, से मैं उनको correlate करती हूँ। I don't know why, but this all things should be implemented properly in our country. सो इट विल गेट अ गुड रिजल्ट टू बिकम अ डेवलप्ड इंडिया। जो भी विजन है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, देन आर इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन फ्यूचर। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। सो हमें सक्षम तरीके से खड़ा होना है इस वर्ल्ड में। आई हैव थर्ड विजन दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड और नो वन विल रिस्पेक्ट अस। सो इफ यू विल नॉट स्टैंड स्ट्रांगली इन द वर्ल्ड देन नो वन विल रिस्पेक्ट अस, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा। सो ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ताकत ही ताकत को रिस्पेक्ट देती है। कैसे? वी मस्ट बी स्ट्रांग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एन इकोनॉमिक पावर। सो मिलिट्री पावर मीन्स द आर्म फोर्स ऑफ द नेशन। सो इट कैन बी it is army, navy and air force that should be strong in our country. otherwise क्या होगा? every time we heard in the news कि सुनाई देता है कि यहाँ से इस country ने attack कर दिया है, bombarding हो गई है। if our military power is not strong then what will happen? they will attack on us. so that's why we have to be strong in military power but also an economic power. so economic power means a country that has lot of importance because it can produce, buy and sell a lot of products or services. so हम उसको बोलते हैं आर्थिक शक्ति। हमारी इकोनॉमी शुड बी स्ट्रांग। हम प्रोड्यूस करने वाले हो बहुत सारी चीजें, बाय सेल करते हो, सो दैट इज दैट मेक्स अस इकोनॉमिकली स्ट्रांग। सो इकोनॉमिक आर्थिक शक्ति बोथ मस्ट गो इन हैंड। सो इकोनॉमिक पावर ऑल्सो वी हैव टू इंक्रीज and military power also we have to increase, we have to make it strong. so hum bolte hain mahashakti, mahashakti, America is a mahashakti because they are strong economically also and military power also. and we heard that future China become going to be a mahashakti, ban sakti hai. so it means they want to be strong in economy also and military also. so why not us? and if we want to protect ourselves we have to be strong. हमें तो बनना ही पड़ेगा ना, तो हमारी जो नेबर्स है that will attack on us because they are going to be महाशक्ति और उनको वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो we have to make ourselves strong. हमें आप खुद को strong बनाना ये बहुत ज़रूरी है, अभी के time पे तो बहुत ही ज़रूरी है। Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievements? So embarrassed means शर्मिंदा। हम शर्मिंदा क्यों होते हैं? To recognize our own strength. Strength means हमारे positive things, हमारे country की positive things, our achievements, हमारी उपलब्धियाँ, उसके लिए हम शर्मिंदा क्यों होते हैं? We are such a great nation.
हम एक ग्रेट नेशन है, वी हैव सो मैनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज, बट वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देम. सो मैनी अमेजिंग सरप्राइजिंग सुपर स्टोरीज आर कंट्री हैव सक्सेस स्टोरीज, बट वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देम, वी रिफ्यूज टू रिकोगनाइज देम. हम उसका स्वीकार नहीं करते हैं. क्यों? वाई? वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड. सी, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मीन्स निर्माता हैं हम व्हीट के, गेहूं के, इन द वर्ल्ड. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. सी, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, इसके भी हम निर्माता हैं, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. देन वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन. सी, मिल्क प्रोडक्शन मीन्स मिल्क के उत्पादन में, द एक्शन ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग. सो दैट फॉर दैट वी आर फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन. सो वी हैव टू रिकोगनाइज अवर अचीवमेंट्स, आर सक्सेस, आर स्ट्रेंथ. हमको रिकोगनाइज करनी है एंड वी शुड प्राउड फॉर आवर कंट्री. हमें प्राउड फील होना चाहिए अपने देश के लिए. वी आर नंबर वन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. सो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मीन्स मैन मेड सैटेलाइट्स लॉन्च्ड इनटू स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा. रिमोट सेंसिंग उपग्रह उसे हम कहते हैं. सो हैव यू नो अबाउट इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग अबाउट नासा, बट इसरो के बारे में किसको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स जस्ट गो एंड सर्च अबाउट इसरो ऑन यूट्यूब एंड ऑन गूगल एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन. वी शुड नो अबाउट दिस. सो लुक एट डॉक्टर सुदर्शन. ही हैज ट्रांसफर्ड द ट्राइबल विलेज इनटू सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट. सो डॉक्टर सुदर्शन, डॉक्टर हनुमप्पा सुदर्शन, ही ट्रांसफर्ड, ही चेंज द ट्राइबल विलेज, अ रिमोट विलेज, उसे हम आदिवासी गाँव भी कह सकते हैं, इनटू सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट. सेल्फ सस्टेनिंग यानी आत्मनिर्भर बनाया उनको, प्रोवाइडिंग वंस नीड. दे अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड बाय देमसेल्व्स, ऐसे उनको बनाया. सो इजंट इट अ अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री? वन मैन चेंज कंप्लीट विलेज. सो देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स, बट अवर मीडिया इज ऑब्सेस्ड ओनली विद बैड न्यूज एंड फेलियर्स एंड डिजास्टर्स. So when we are on our TV channel, what we will see? Suicide, murder, argument, strike, hunger strike, discussion. But what happened with this? Positive things spread positivity, negative things spread negativity. Because of this, atmosphere of country become negative. Unity bhi hamari toot jati hai, unity bhi kharab ho sakti hai. So we have to discuss about achievements. See, when we take a newspaper, somebody invented, if any boy invented something, तो वो कोने में छोटा सा article दिखेगा, because उसको TRP नहीं है ना. So man did some social work, तो वो भी कोने में दिखेगा. But such a things, एकदम बड़े पेज पे, first cover पेज पे, जो important नहीं होता, negative things has been shown. So media is obsessed only with the bad news and failures and disasters. It's very important sentence because it spreads negativity in the country. So we should spread positivity. So for that we should see achievement. हमको achievement देखने हैं, positive things देखने हैं country के, तो ही positivity country में आएगी. Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? आत्मसम्मान जो है, जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हमें मिलेगा. सो वी वॉन्ट टू बी डेवलप्ड इंडिया, देन ओनली वी विल गेट सेल्फ रिस्पेक्ट. आई वॉज इन टेल अवीव वंस एंड आई वॉज रीडिंग द इजराइल न्यूज़पेपर. सी, टेल अवीव इज द बिगेस्ट सिटी इन इजराइल, वी कैन से फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इजराइल. इट वॉज द डे आफ्टर लॉट ऑफ अटैक्स एंड बम्बार्डमेंट्स एंड डेथ हैड टेकन प्लेस. The Hamas had struck. See, day after only attacks हुए थे, bombardment हुए थे, continuous attack with the bombs and other missiles. It has taken place. So many people died. बहुत सारे death हुए थे. The Hamas had struck. उन्होंने बहुत damage किया था. They killed so many people. बहुत लोगों को मार गिराया था. But the front page of the newspaper had the picture of a
Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert land into orchid farm and granary. So the front page of the newspaper, what it has shown, that this person, this gentleman, changed his desert land into orchid farm and granary. Everywhere greenery was there. It was this inspiring picture that everyone woke up to. So this was an inspiring picture for everyone, that we have to woke up. Whatever happened, so many death, so many bombardment attacks, but we have to woke up. We have to be strong and we have to achieve the things. We have to stand. So this is positive picture which was on the front page of Israel newspaper. The gory details of killing, bombardments and death were inside the newspaper, buried among the news. See, gory means raktame, involving bloodshed and violence, all that inside the newspaper, not on the front page. That killing, bombardment, death, jitne bhi hue the unme, bahut sara, bahut atank mach gaya tha, that was inside the paper. Buried among the other news, usko dafnaya gaya tha other news ke saath. Isn't it possible in our country? ये हमारे देश में पॉसिबल है? नो, इन आवर कंट्री 1 month, 2 month, वी विल डिस्कस अबाउट द सेम टॉपिक एंड नेगेटिविटी विल स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, नथिंग एल्स, बट वी नेवर गिव दैट इम्पोर्टेंट टू द पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव अचीवमेंट्स, एंड वी हैव टू मेक दिस थिंग पॉसिबल इन आवर कंट्री. हमको ये सब चीज़ें अपने देश में पॉसिबल करनी है, करवानी है, ना कि हमें नेगेटिव थिंग्स के बारे में सोचना है. We have to think about positivity and we have to think about development of our country. Tabhi ye possible hoga. I want to live in developed India. Another question. See, before reading the question, I want to say, I want to live in developed India. So his vision 2020, from developing country to developed India. He was not there now. वो तो अपने में नहीं है. But हमने उनका ड्रीम कंप्लीट किया है, not yet. So we have to complete his dream. We have to make India as a developed India. हमें developed India बनाना है. I want to live in a developed India. See another question. Why are we as a nation so obsessed with the foreign thing? We are so obsessed with the foreign brands. So obsessed. If somebody is wearing foreign shirts, foreign shoes, we are so obsessed. Yeah, this is the status. Wow, this shoes is from US, this shoes is from UK. So these are foreign brands. We want foreign TVs. We want foreign shirts. We want foreign mobiles. We want foreign technology. See, these are the brands we want. We want to show the people that we are wearing this. Shoes, Adidas, Zara, then Levi's. We wearing Marc Spencer. These shirts we are wearing. We want to show the people. See, why this obsession with everything imported? Why this obsession? Technology also. We are using another's app. We are not creating our own apps. We are using technology of other countries. Why this obsession with everything imported? Why you want everything imported? Hame kyun chahiye? Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? Again, he repeat the same sentence. Kitna important hai ye sentence. Atmasamman jo hai, atmanirbharta se hi milega. Self-respect jo hai, wo atmanirbhar banoge tabhi milegi. See, we are the country. Hame status lagta hai jab hum koi ब्रांडेड थिंग्स ले लेते हैं अदर कंट्रीज के एंड हम वो पहन लेते हैं, हम खरीद लेते हैं. देन वी फील दैट या दिस इज अ स्टेटस, ये इम्पोर्टेड है. बट नो, ये तो गलत है. इससे हमारा कंट्री डेवलप नहीं बनेगा. हम दूसरों को डेवलप बना रहे हैं, दूसरे कंट्री को. हम दूसरों के ऐप यूज़ करेंगे, वी आर यूजिंग, हम खुद ही अपनी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, खुद ही हम यूज़ नहीं करेंगे. सो हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अदर कंट्रीज विल बाय आवर थिंग्स एंड दे विल यूज़? ये हो सकता है? नहीं हो सकता है. डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस? वी हैव टू रियलाइज.
से कभी एपीजे अब्दुल कलाम को देखा होगा फोटोज में, तो देखिए जरा जाके, और उनकी बायोग्राफी भी पढ़िए. ही वॉज अ सिंपल पर्सन, वेयरिंग स्लीपर्स इन द वेयरिंग स्लीपर्स एंड वेयरिंग सिंपल शर्ट्स एंड क्लोथ्स, वेरी सिंपल लाइफ. बट ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ साइंटिस्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट. ही वॉज टाइटल्ड एज अ मिसाइल मैन बिकॉज ऑफ हिज वर्क. ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज द स्टेटस, इसको हम स्टेटस बोलते हैं. जिंदगी भर पूरी पीढ़िया उनको याद रखेगी. मैं मेरे बच्चों को जब बताऊंगी तो आई विल गिव, मेरे पापा मम्मी ने मुझे दूसरे लोगों के एग्जाम्पल्स दिए थे, लाइक महात्मा गांधी के एग्जाम्पल दिए थे, इंदिरा गांधी बोल सकते हैं, या फिर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के एग्जाम्पल्स दिए थे. बट वेन आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बिकॉज ऑफ हिज वर्क फॉर आवर कंट्री, बिकॉज ऑफ हिज ड्रीम फॉर आवर कंट्री एज अ डेवलप्ड इंडिया. सो हमें पहले अपने चीज़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं. एंड दिस इज टाइम यू, वी हैव अ टैलेंट, वी हैव पोटेंशियल, बट वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट हाँ मेरा बच्चा तो US में कमाता है, UK में है. सो वाई द टैलेंट हैज बीन नॉट यूज्ड इन आवर कंट्री, वी हैव टू यूज द टैलेंट फॉर आवर कंट्री. सो दीज आर द सम वैल्यू. सी ही वॉज सो टैलेंटेड, ही कैन गो एंड इन अदर कंट्री ऑल्सो, बट ही प्रीफर टू वर्क फॉर आवर कंट्री. He gone through so much of adversities. उन्होंने बहुत सहा है, बट तभी भी उन्होंने देश के लिए करना छोड़ा नहीं, because he want to live in a developed India, because his love for his country, उनका अपने देश के लिए उतना प्यार था, इसके लिए उन्होंने किया. And now also he, through his lecture, he warned that we should create आत्मनिर्भर भारत, developed India. ये उन्होंने मैसेज दिया through his speech. We come to know that he wants the Indian media to play a pivotal role and to help inspire citizens, generate values of self-respect and self-reliance, and then only we can become a developed India in future. Lecture. When a 14-year-old girl asked me for my autograph, so he was in Hyderabad for lecture de rahe the, and one girl came and she ऑटोग्राफ. क्या होता है और सिग्नेचर? बेसिकली अ फेमस पर्सन, पर्सन हुम वी एडमायर, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वेरी फेमस होते हैं, उनके हस्ताक्षर यानी ऑटोग्राफ. सो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, व्हेन आवर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ, दिस मार्क्स द सक्सेस. जब हमारे सिग्नेचर हस्ताक्षर, हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाएंगे, तब समझ लेना जिंदगी में सक्सेस पा लिया, तो बहुत अच्छा कर लिया है. सो आई आस्क हर व्हाट हर गोल इन लाइफ इज. एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आस्क्ड हर कि तुम्हारा गोल क्या है, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर डिजायर, तुम्हारा लक्ष्य क्या है. सो व्हाट शी रिप्लाइड, आई वांट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया. सी दिस 14 ईयर गर्ल, हर लक्ष्य, उसका जो गोल है वो क्या है, शी वॉन्ट टू लिव इन डेवलप्ड, विकसित इंडिया में रहना है, ना कि विकसनशील, डेवलपिंग. सो उसके गोल के लिए, सी दिस इज, ये हमारी अभी ड्यूटी बन गई है. सी दिस स्मॉल गर्ल ऑफ 14 ईयर्स, शी थॉट बियॉन्ड द लिमिटेशन, उसकी सोच देखो कितनी बड़ी है, शी वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया. You and I will have to build this developed India. You must proclaim. So for her, उसके लिए, उस लड़की के लिए, उसके सोच के लिए, you and I, we all have to build developed India, विकसित देश हमें इंडिया बनाना है. And उसकी घोषणा, proclaim means declare confidently to all, हमको सबको इसकी घोषणा कर देनी है अभी. So this is Dr. Kalam's vision for 2020 के लिए, transforming India into developed nation. ये उनका 2020 के लिए vision था. अगर ये सुनोगे तो you feel like कि हमें तो बहुत कुछ करना है अपने nation के लिए. और कितना अच्छा स्पीच दिया उन्होंने, हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अपने देश के लिए करना होगा, देन हमारे देश को वर्ल्ड में वो पोजिशन मिलेगी और हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे. So it is
एवरीवनस ड्यूटी, ना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अकेले कर सकते हैं. सो वी ऑल इंडियंस, हमको देश के लिए करना होगा टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन. So, what we have learned from lesson? See, he urges all the Indian citizens to come together and share his three visions for building a free, self-reliant and developed India. So, every citizen, every person from the country, humko sabko saath mein aana hai and hume sapna dekhna hai. Three visions, drushti, hamara lakshya kya hai? That we want free, self-reliant, atmanirbhar aur developed, vikasit desh apne desh ko banana hai. Ye unke three visions hai. तो देखो, अगर हम कहते हैं कि APJ अब्दुल कलाम इतने महान आदमी थे, बट ही वॉज अ न्यूज़ पेपर बॉय हु वॉज सेलिंग न्यूज़ पेपर, देन ही बिकेम साइंटिस्ट, देन प्रेसिडेंट, सॉरी देन मिसाइल मैन, देन ही बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री. सो कोई भी शख्स इतने बड़े जगह पे जब पहुंचता है तो उसको बहुत एडवर्सिटीज से गुजरना पड़ता है. लाइक मैंने APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा था, जब अग्नि मिसाइल उनको लॉन्च करनी थी तो 3-4 टाइम्स उनको ऑब्स्टिकल्स आए और टेक्निकल इश्यूज आए, तो उनको रुकना पड़ा, लॉन्च उनको रुकाना पड़ा. तो मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में बहुत आर्टिकल्स आए, कार्टून्स आए, क्रिटिसिज्म हुआ, बट ही नेवर स्टॉप. सो फेलियर्स जो है वही एक स्टेप होता है सक्सेस के टूवर्ड्स. तो कोई शख्स अगर ज़िंदगी में कोई छोटा है तो उसको हौसला नहीं हारना चाहिए. तकलीफें, दुख ये ज़िंदगी का हिस्सा है और तकलीफें ही कामयाबी की सच्चाई है. अगर समाज का कोई बच्चा है वो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से बिलोंग करता है तो उसकी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ होगी. जैसे APJ अब्दुल कलाम वॉज सेलिंग न्यूज़पेपर मैन, ही वॉज अ चाइल्ड, सो उन्होंने वो भी तकलीफों से गुजरे एंड देन बिकम ही बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. उन्होंने कंट्री के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया. तो इसी तरह से उन बच्चों को, अगर किसी को लगता है कि मेरे पास बहुत मजबूरियाँ हैं, बहुत तकलीफें हैं, तो ही हैज़ टू वॉच दिस, ही हैज़ टू रीड हिज बायोग्राफी. यूट्यूब पे देखोगे तो पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो और बहुत कुछ सीखने जैसा है उनके पास से. वो एक नॉलेज का भंडार है और उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है अपने देश के लिए दे दी अपनी पूरी ज़िंदगी. एंड उनका ये सपना, नाउ वी हैव टू कम्प्लीट, वी हैव टू मेक आर कंट्री एज अ डेवलप्ड इंडिया. अभी मैं उनके ही वाक्य से इस वीडियो को एंड करूँगी. उनका ही कोट है, बहुत फेमस है. अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो. नाइस लाइंस एंड बहुत गहरा इसमें मीनिंग है. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.